राधाचंद जी गहलोत और प्रदेश महामंत्री रामचरण जी गौरा और सांसद पुष्प जैन, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण जी दवे, रणवीर जी पहलवान हमारे विधायक और विधायक संजना आगरी, हज कमेटी के चेयरमैन पूर्व चेयरमैन फिरोज खान, मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हिदायत खान जी, पूर्व जिला प्रमुख अजमेर पुकरा जी पहाड़िया, हमारे जिला अध्यक्ष महेंद्र जी बोहरा और हमारे पूर्व मंत्री आपके क्षेत्र के सुरेंद्र जी गोयल, मैं बहुत ही खुशी के साथ सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आप उल्टा नहीं, मैं आपका कर रही हूँ। मैं क्या कि सबसे पहले तो आप मुझे माफ करेंगे कि आप तक आते आते देर हो गई। इसके कारण दो तीन है। एक तो आपका ऐसा सुंदर सा रास्ता है, ये देखते देखते हम आपके बीच में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी महसूस हुआ कि आप लोग क्या रोज रोज महसूस करते हो। और लोगों ने मुझे ये बताया कि ये तो रास्ता, जिस रास्ते पे आप आ रहे हो वो तो बहुत अच्छा है, जरा हमारे गांव के अंदर आके देखो, गांव के अंदर के जो रास्ते हैं उनमें तो आपको एक अलग ही मजा आएगा। और मैं अभी वो मजा चखना नहीं चाह रही थी, यही करते करते मैं आप लोगों के बीच में लेट हो गई, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। इसके साथ साथ जगह जगह पे कहीं किसी ने कुछ छोड़ा नहीं, इतना प्यार दिया जगह जगह पे, लोगों ने उत्साहित होके रोक के गाड़ी को, बस को, और इतना सारा प्यार दिया कि तो रुकना ही था और उनके साथ मजा लेना था। और आज इंद्रदेव ने तो बहुत बड़ी कृपा की है, बादल तो छा गए, ठंडक है परंतु बरसात जैसे भी नहीं है, और इसकी वजह से आज यहाँ तक आराम से 5 बजे तक भी पहुंच गए, तो ये गनीमत है। अगर इंद्रदेव बरस जाते तो क्या हो जाता मुझे नहीं मालूम, परंतु आप लोगों ने कमाल कर दिया और उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शुरू में करना चाहूंगी अपने पानी से। मैं हर जगह पे जहां जाती हूँ मैं पहले ही आपके पानी की समस्या को देखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ भी मैं याद दिलाऊंगी आपको कि रुक्मिणी जी महाराज के यहाँ जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो उनके कार्यक्रम में मैं आई थी, तो उस कार्यक्रम में उन्होंने सबकी तरफ इंगित करके मेरे को ये कहा कि अब आप देख लो यहाँ पानी की जो घोर समस्या है, जो व्यक्ति इस पानी की घोर समस्या को ठीक कर सकता है उसकी ये जनता। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी तरफ उंगली करके कहा कि आप जाएंगे इस पानी की समस्या को ठीक करने की कोशिश करेंगे और ये आप वादा करिए कि आप करोगे। तो मैंने उसी दिन उनको कहा था कि महाराज जी मेरी पूरी कोशिश में कमी नहीं होगी, मैं वादा करने में बड़ी हिचकिचाती हूँ, आप लोग सब जानते हो। तो मैंने ये कहा कि मैं कोशिश में करूंगी। 634 करोड़ रुपए की जवाई पेयजल योजना की स्वीकृति की और सबसे पहले पाली और रोहित और बाद में सोजक और जेतारण में पहुंचाने का काम हम लोगों ने 2 फेज के अंदर तैयारी कर दी। आज मुझे बहुत खुशी है कि उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए रोहित और पाली, इन दोनों में पानी पहुंच गया। और मुझे इस बात का दुख है कि अगर सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान दे देती तो 4.5 साल आप लोगों को रुकने की जरूरत नहीं होती। ये सोजक और जेतारण के लोग भी आज तक पानी पीते हुए मुझे मिलते और मुझे उससे बड़ी खुशी होती, परंतु मुझे दुख है कि इस सरकार ने काम करना अब चालू किया है। ये अब क्यों, 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? अगर कर दिया होता तो आपको इस पानी की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता। चिंता मत करो, इसको अपन करेंगे, सरकार अपनी आएगी, अपन मिलके इस पानी का इंतजाम करेंगे। जेतारण विधानसभा क्षेत्र के ज्यादातर गांव और कस्बे जो हैं, वो मीठा पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं जहां जहां रुकी हूँ ज्यादातर लोगों ने मेरे को फ्लोराइड की बात कही और कहीं कहीं लोगों ने खारा पानी की भी बात कही। ये जेतारण शहर की बहुत जोरदार समस्या है और 2 दिन में जलदाय विभाग खारे पानी का सप्लाई करता है, क्या ये सही है? 2 दिन में एक दफा खारा पानी का सप्लाई करता है और चुनाव आ गए हैं तो कोशिश उनकी हो रही है कि मैं इसके अंदर मीठा पानी थोड़ा सा मिक्स करके और इन लोगों को 4 महीने के लिए अच्छी तरह से बरगला दे ताकि ये आ जाए कि हाँ ठीक है ये तो हमको मीठा पानी दे रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि आजकल की जनता हर चीज को जानना चाहती है, कैसा आया, किसने पैसे दिए, कहाँ पाइपलाइन लगी, कैसा मीठा पानी आ रहा, जब खारा पानी 2 दिन के पहले आ रहा था, तो ये सब चीज सबको मालूम है, किसी से छिपी नहीं है।
और पानी सबसे जरूरी बात है क्योंकि पानी नहीं है तो जीवन नहीं, और इसीलिए हमने सबको कह दिया है कि सबसे पहले पानी और बिजली का काम आते ही नई सरकार करेगी। जो ये काम नहीं कर सके वो काम हम लोग करके दिखाएंगे, ये मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आप किसान भाइयों, मैं आपसे ये पता करना चाहूंगी कि आप लोगों को जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि आपको नियमित और अच्छी बिजली की सप्लाई 8 घंटे 3 फेज की मिलेगी, आपको मिल रही है किसान भाई? मिल रही है क्या? खेतों के अंदर नहीं मिल रही। जो मेरे को मालूम पड़ रहा है वो ये बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिलती है और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ। उसके साथ साथ मेरे को ये बताया ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेज की बिजली 10 या 12 घंटे और शहर के अंदर 6 से 7 घंटे की कटौती, 6 से 7 घंटे की कटौती। और माता बहने ये बिजली सिंगल फेज की आपके लिए लाई गई थी, पहली दफा राजस्थान के अंदर ये बिजली सिंगल फेज की अपने घरों की बिजली हम लोगों ने लाई। और इसको खाली इसीलिए अलग किया था कि आपको घर के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए, ठंडक के लिए, जब ये थके मांदे घर आते हैं तो ठंडा घर मिलेगा, ये सब सोच के आप लोगों को बिजली का इंतजाम करके हमने दिया। पर मुझे दुख है कि 2008 के अंदर ये सब करके जब मैं चली गई थी तो 18 घंटे से लेकर 20 घंटे तक बिजली आ रही थी। मैंने खुद सरपंचों को फोन कर करके पता किया था कि ये जो मेरे को बड़े माने गिनती करा करा के बता रहे हैं कि आज 500 गांव को हमने कर दिया, 200 गांव को कर दिया, तो मैं ये कहती थी ऐसे से नहीं होगा, आंकड़ों में मैं विश्वास नहीं करती हूँ, पहले मेरे को आंकड़े दिखाइए, दीजिए उसके सरपंच का नाम दीजिए और मैं रैंडम चेक करूंगी कि भाई कौन सा सरपंच है। कई ऐसे सरपंच है जिनको मैंने फोन करके कहा सरपंच साहब बिजली आ रही कि नहीं, और इसमें कई लोग पकड़े गए और पकड़े जब गए तो दंडित भी हुए। और इसीलिए जाने से पहले 18 से 20 घंटे तक बिजली लाने का काम माता बहने मैंने आपके लिए किया था, और मैं आज आपको ये विश्वास दिला के जा रही हूँ कि सरकार अपनी आएगी तो सबसे पहले इनको ठीक करते हुए 24 घंटे बिजली हमारी माताओं बहनों के घर के अंदर देने का काम करेंगे। ये पहले का वादा तो मैं पूरा करके ही जाऊंगी। मैं तो कह रही हूँ कि 6 महीने मेरे को और मिल जाते उस समय तो ये बिजली का काम परफेक्ट करके हम आपको छोड़ देते, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ आपके ये भी बहुत जरूरी है कि सामुदायिक हॉस्पिटल के अंदर कितने डॉक्टर के पद है, तो मैंने पता किया 12। उसमें मैंने कहा कितने लोग काम कर रहे हैं तो पता किया 5, 12 में से सिर्फ 5। पर अस्थि नहीं है, स्त्री नहीं है, सर्जरी नहीं है, और ज्यादातर ये बहुत दिन से खाली पड़े हैं ये जो पोस्ट है। मैंने कहा कि हमारे समय के अंदर ब्लड बैंक की स्थापना हमने की थी तो पता किया कि ये सरकार ने उसको कर दिया बंद, तो ब्लड बैंक भी नहीं है। अब मैं पूछती हूँ भैया तुम लोग कहाँ जाते हो, तो कोई कहता मैं जोधपुर जाता हूँ, कोई कहता मैं ज्यादा सीरियस हूँ तो मैं अहमदाबाद भी चला जाता हूँ। हमारी ये कोशिश है कि डॉक्टर्स, टीचर्स, ये लोग सब होने चाहिए तो हमारी सरकार में हमारा इलाका आगे बढ़ सके। ये नहीं है तो हम क्या करेंगे? और आपने जयपुर के अंदर ये कह दिया कि हमने सबको मुफ्त जांच दे दी और हमने सबको मुफ्त दवाई दे दी। अरे जब डॉक्टर नहीं है तो कौन लिख रहा है मुफ्त दवाई, जांच कौन कर रहा है मुफ्त, ये तो कहने की बात है। और ये जो रोज पोस्ट कार्ड निकलता है अखबार के अंदर वो 77-78 बंद कितने निकल गए, सरासर मेरे हिसाब से झूठ है। और घोषणा से कोई मतलब नहीं रखता, घोषणा अलग चीज होती है, उपलब्धि अलग चीज होती है। ये मेरी घोषणा है पर मेरी उपलब्धि क्या है? मेरी घोषणा ये है कि मैं 24 घंटे बिजली माता बहने आपको दूंगी, और मेरी उपलब्धि ये थी कि 18 से 20 घंटे बिजली मैंने लाके आपको जाने से पहले दिया, ये मेरी उपलब्धि थी। परंतु यहाँ अगर कोई कह दे कि मुझे बड़ी खुशी है ये घोषित करते हुए कि हमारी उपलब्धि ये है कि 2.5 लाख लोगों को हम लोगों ने शहर गांव की ओर, मैंने शहर की क्या प्रशासन शहर की ओर और प्रशासन गांव की ओर में हम लोगों ने 2.5 लाख से ज्यादा पट्टे दे दिए, कितनों को पट्टे मिले, यहाँ पट्टे मिलने का काम हुआ। मैं आप लोग सबको यहाँ कह रही हूँ, अभी भीलवाड़ा से मैं निकली थी तो भीलवाड़ा के 38 पंचायत के लोग वहां खड़े थे, तो भीलवाड़ा के लोगों ने मेरे को ये कहा कि ये 38 पंचायत में 27 पंचायत की तरफ तो कोई देख नहीं रहा है, ये गांव की तरफ जो सड़क माने ये जो चल रहे हैं उन लोगों ने 11 पंचायतों की तरफ ध्यान दिया, और रात के 12 बजे से 4 बजे तक इन्होंने पट्टे बांटे। किसके पट्टे बांटे? और रात के 12 से 4 बजे तक तुम कौन से पट्टे बांट रहे हो? क्या बात है जो आप दिन में नहीं कर सकते हो? ठीक है सर, मुझे समझ में नहीं आता कि पट्टे बंट रहे हैं गरीब को बंट रहे हैं कि भू माफिया को जा रहे हैं।
ये है बात पूछने वाली। अभी आबू रोड से मैं निकल रही थी तो मैंने देखा बुलडोजर चल रहा है, पूछा मैंने कि बुलडोजर काय को चल रहा है। उसी दिन ये निकला था कि 2.5 लाख पट्टे सरकार ने दिए। तो उन्होंने हमको ये कहा कि हम तो 50 साल से इस भूमि पे काबिज है, आज ये बुलडोजर चल रहा है, हमारी सबकी जमीन, हमारे सबके मकान ये सब तोड़े जा रहे हैं। क्यों? तो उन्होंने कहा कि 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, पट्टा मांग रहे हैं, हमको पट्टा नहीं दे रहे। मैंने कहा उसी दिन कि ये इसका मतलब ये था कि बेचारे जो पट्टा, जिनको पट्टा मिलना चाहिए था उनको पट्टा नहीं मिलेगा, जिनको पट्टा नहीं मिलना चाहिए था उनको पट्टा मिलने जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि सरासर गलत काम है, जो नहीं होना चाहिए हो रहा है। किस कौन रोक सकता है? ये सरकार तो जो चाहती है वो कर लेती है, और जो रस्ते में आता है तो उसको अंदर बंद कर देती है, पुलिस के हवाले कर देती है। ये बार बार जहां भी जाओ देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से मैंने देखा कि जैतारण के अंदर आपके स्कूली शिक्षा के हाल बिल्कुल खराब है। अभी मैं गांव से निकल रही थी, मेरे को याद नहीं है कौन सा गांव है, परंतु ये रायपुर हल्के में पड़ता है। तो वहां से जब निकल रही थी तो लोगों ने मेरे को ये कहा कि स्कूल के बच्चे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल है, स्कूल के बच्चे 4 दिन से वहां आंदोलित है। अब बताओ मेरे को, हाँ पहचानपुरा, 4 दिन से बच्चे आंदोलित है, गांव वाले इतने नाराज है कि उसके ऊपर ताला लगा दिया है। ये तो स्कूलों की हालत, टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है, और अगर बच्चे हैं तो टीचर नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य इसी तरीके से स्वाहा कर रहे हैं ये लोग, और मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरीके से हम लोग उनको छोड़ने चाहिए। आपके जैतारण शहर के मुख्य बाजार और अंदरूनी भाग की सड़कों की क्या हालत है सब लोग जानते हैं, बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। और जैतारण से ग्रामीण इलाकों की जो लिंक रोड है वो पूरी तरह से खराब पड़े हुए। मैं बार बार जहां से भी निकली हूँ वहां वहां मेरे को लोगों ने कहा है कि इसके बारे में कुछ करिए, पर ये होना जाना कुछ नहीं है भाइयों, जब तक ये सरकार नहीं बदलती तब तक अपना काम होगा नहीं। और मैं आप लोगों को आज ये कहने जा रही हूँ कि BPL या मनरेगा ये सब चीजों के ऊपर पूरी तरह से रोक आ गई। 13,000 करोड़ रुपया तो मनरेगा के अंदर आप देख रहे हो घोटाला हो चुका है। कितने लोगों को नौकरी मिल रही है इस मनरेगा के अंदर? जब मैं पूछती हूँ तो बड़ी मुश्किल से 1 लाख लोगों को, जबकि राजस्थान नंबर 1 था पूरे देश के अंदर, 26 लाख लोगों को वहां नौकरी मिल रही थी, और राजस्थान को बीमारू प्रदेश से बाहर निकालने का काम उन 26 लाख लोगों को था, क्योंकि उनने हमारे साथ मिलकर जो परिसंपत्तियां बनाई राजस्थान के लिए, उन परिसंपत्तियों की वजह से हम लोग बाहर निकल पाए। आज 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, कहां काम कर रहे हैं, उनको सही टाइम पे उनका वेतन नहीं मिलता है, वो रोग दर कराते हुए घूम रहे हैं कि भाई हमारी कोई करे, हमको कोई तनख्वाह हमारी दे दे। हमारे समय में कभी कोई कमी उनको मिलती नहीं थी, आज मनरेगा के काम कम से कम जगह के ऊपर हो रहे हैं। और मैं आप लोग सबको ये कह रही हूँ कि मनरेगा ने तो यहाँ ये समझिए राजस्थान के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मिड डे मील आपने देख लिया, हमारे बच्चों की क्या हालत हो गई है। स्कूल भेजे तो हमने ये तय किया था कि जहां भी बच्चों को आप भेज रहे हो, जहां मिड डे मील खिला रहे हैं वहां हम लोग जाएंगे, हमारे मंत्री जाएंगे, हम खुद भोजन करेंगे। हम वहां भोजन करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है। और हम जाके देखा करते थे कि उनको नया नया भोजन मिलता था, उनको सही भोजन मिलता था, उसमें कीड़े मकोड़े चूहे छिपकली ये कुछ नहीं था। हमारे बच्चों को उस मौत के घाट हम नहीं उतारना चाहते थे जैसे बिहार के अंदर हो चुका है, हम नहीं चाहते थे। पर 3 रुपए से बच्चों को क्या मिलेगा? और अब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत बड़ी तरह से मिड डे मील के लिए जो राशि मिल रही थी करीब 96 करोड़ रुपया, मैं लग रहा था कि क्या हो रहा है, 96 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है और वैसे के वैसे वापस गया कि क्या हुआ कि किसी के जेब में गया कि किसी ने ऐसे ही उड़ा दिया, वो 96 करोड़ रुपए का क्या हुआ? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं कहती हूँ कि जो लोग बच्चों के खाने के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं उनको 1 मिनट उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं संभाल सकते। क्या संभालेंगे भाई? मैं पूछना चाहती हूँ आप लोग सबको। इसी तरीके से आज हमारी महिलाओं की स्थिति कितनी गंभीर है। माताएं बहनें, आप जब अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हो या कॉलेज भेजते हो तो दिल धड़कता है कि हमारी बच्ची के साथ क्या होगा, क्या हमारी बच्ची वापस घर लौटेगी? इसकी डर के मारे सब लोग बैठे रहते हैं कि हमारी बच्ची घर वापस आ जाएगी तो हम देखेंगे। आज मंत्रियों ने क्या कहना है, महिलाओं के प्रति पूरी तरह से सरकार गंभीर नहीं है, हम ये मानते हैं, और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं महिलाओं के बारे में, इससे हमें शर्म आती है। मैंने अभी देखा कि एक मंत्री था जो पंचायत राज के अधिकार वाला था,
उसने ये कहा, ये कुछ दिन की बात है, कि जब नर्सों की चोटियां जनप्रतिनिधियों के हाथ में आ जाएगी तो हम देखेंगे काम होगा। ये इस तरीके से काम कोई कहता है क्या? इस तरीके से वक्तव्य कोई देता है क्या? अब मुफ्त लैपटॉप और साइकिल के लिए जो दिए जा रहे चेक, इसके बारे में कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि अभी अभी मेरे क्षेत्र की बात है, मेरे क्षेत्र के आगे की बात है, वह उसने ये कहा कि इस पैसे से छात्राएं साइकिल क्यों खरीदे, ये खरीदे या न खरीदे, क्रीम और पाउडर जरूर खरीदे। अब बताओ मुझे, ये मंत्री जैसी बात है? ये आपके एमएलए जैसी बात है? ये हम और आप जैसी बात है? क्या आप अपने घरों में ये बात करोगे? यहां हम बड़ी मुश्किल से हमारी माताओं को बहनों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से बकवास कर रहे हैं आपके एमएलए लोग, और आपकी आप महिला आयोग जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है वो कह रही है अखबार के अंदर कि 5,000 रुपए में हमारी राजस्थान की लड़कियां बिक रही हैं। जब सरकार को मालूम है कि यह सब हो रहा है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ये हम पूछना चाहते हैं। आज दिन तक उसने हमारी महिला की सुरक्षा के लिए क्या किया? हमारे थानों के अंदर महिला के साथ बलात्कार ही नहीं हो रहा है, उनके साथ साथ उनको मारा भी जा रहा है, दुष्कर्म भी होता है और मारा भी जाता है। हमारी महिला आज सड़क के ऊपर सुरक्षित नहीं चल सकती है, और जो लोग हमारी महिलाओं की, हमारी बहू और बेटियों की इज्जत को नहीं रख सकते, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठना चाहिए क्या भाइयों? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारी महिला हमारे घर की इज्जत है, और हमारे शास्त्रों में लिखा है ये महिला को देखो, ये देवी रूप है, और इस देवी रूप को संभाल के रखने का काम हमारा काम है। अगर हम नहीं रख सकते इस चीज को, तो हम उस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अपनी महिलाओं को संभाल के रखने का काम आज हम लोगों को मिलकर करना है। परंतु मैं ये पूछ रही हूँ, जो मैंने देखा अपने कागजों के अंदर कि राज हमारी महिलाओं की स्थिति क्या है, तो ये देखा कि 31% वृद्धि हुई है महिलाओं के खिलाफ जो चल रहा है उसमें, 31% वृद्धि हुई है पूरे राजस्थान। ये तो शर्म की बात है भाइयों, इसके बारे में हम लोग जितना कम करें उतना। आजा हमारे भाइयों पे, मैंने अपने 5 साल के अंदर ये कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम नौकरियों का इंतजाम करवाएं, रोजगार दिलवाएं। तो हमने क्या किया, हमने 10 लाख बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी काम दिलवा के उनको नौकरियां दिलवाई। आज हमने देखा 5 साल गुजरने को हो गए, परंतु कम से कम लोगों को नौकरियां मिले। हमने ये कोशिश की थी कि भाई पढ़े लिखे हो तो तुमको 2 साल का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, और वो बेरोजगारी भत्ते से तुम अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनोगे, और उन 2 साल में अपनी नौकरी को ढूंढ लोगे और ढूंढ के फिर अपने पैर पर खड़े हो जाओगे। अब ये तो आते ही सबसे पहले उस बेरोजगारी भत्ते के ऊपर लगाया क्रॉस, उसको करा खत्म। अब चुनाव आने लगे तो 1 साल पहले धीरे से बेरोजगार भत्ता शुरू कर दिया, फिर उनको लगा कि ये इनके ध्यान में अभी तक आया नहीं है, अभी तक उनको लग रहा है कि वसुंधरा जी की स्कीम है, तो उसके अंदर 1 लाख रुपए और जोड़ के कह दिया कि भैया वोट आ जाएगा अपने पास तो 2 लाख रुपए ले लो, और 2 लाख रुपए हम देंगे अपने भत्ते के हिसाब से। हमारे टाइम में फिर भी हमने 1,38,000 बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, ये तो अभी तक 18,000 पे ही पहुंचे हैं, उससे ज्यादा आगे जाएंगे भी नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सब जो चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए। ये बेचारे मुरारी लाल जी मीना के पेट में रहा ही नहीं गया, ये झालावाड़ गए जो मेरा क्षेत्र है, और वहां लैपटॉप बांट रहे थे, तो लैपटॉप बांटते बांटते मुंह से निकल ही गया, अरे बच्चे लोग लैपटॉप तो ले जाओ, परंतु याद रखना जब चुनाव का टाइम आएगा तो अपनी मम्मी और पापा को याद दिला देना, बच्चों को कह देना, समझो आप अपनी मम्मी और पापा को कह देना कि चुनाव में अपने कांग्रेस को ही वोट देना है। रहा ही नहीं गया, रहा ही नहीं गया, लगा भैया हमें कहना तो पड़ेगा ही, आखिर में हम दे रहे हैं इतना लैपटॉप दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो ये जनता के दिमाग में आई कि नहीं आई कि इनको जरा एक दफा ठोक बजा के कह तो दूं। कह दिया, हमको पहले से ही मालूम था कि आप काय के लिए कर रहे हो, कोई छिपी बात थोड़ी थी हमसे। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो नौकरियों की घोषणा कर रहे हैं सब ज्यादातर से छलावा है, इसकी गिनती कर लो। चलो 21,436 भर्तियां ऐसी हैं जिनकी घोषणाएं पिछले 1 साल में सरकार के मंत्रियों ने लगातार इधर उधर जहां भी गए वहां की, और आज दिन तक उनकी नियुक्तियां नहीं हुई। जब इनसे पूछा जाता है कि भैया वो कहां गए हमारी नियुक्तियां, तो बोलते हैं कि एक कोर्ट में फंस गए, और या तो दूसरा बहाना लेंगे, पर कोर्ट अच्छा बहाना है क्योंकि फिर कोई जा ही नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, हाँ जाके कोर्ट में फंस गया है।
12,000 से अधिक पद की भर्तियां न्यायालय के अंदर विचाराधीन है आज के दिन। कांग्रेस ने यह घोषणा अपने घोषणा पत्र में किया है कि इस 5 साल के अंदर हम 10 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। अब तक कांग्रेस ने खेच तान करके मुश्किल से 54,000 नौकरियां चलो खेच तान के दे दिए और करीब 50,000 कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो आप ये समझिए कि वो 50,000 का पोस्ट भरा है। इसका सीधा सीधा ये अर्थ हो जाता है कि सरकार ने अब तक बड़ी मुश्किल से 4,000 लोग या 5,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया है। जो सेवानिवृत्त हो गए तो वो तो पोस्ट भरना ही, उसको तो क्या करेंगे आप करी से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे बच्चों के सामने एक टेट परीक्षा भी उन लोगों ने ठसा दी। वो टेट परीक्षा का प्रबंधन हम लोग करेंगे और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो RPSC के प्रबंधन पे अपन वापस जाएंगे और जिस तरीके से हमने आपको पहले नौकरी देने का इंतजाम किया था उस नौकरी एग्जाम देने का इंतजाम करेंगे। अब यहाँ एक और मुसीबत हमको हो गई है, यह BPL परिवार, इसकी अभी तक किसी ने इंक्वायरी नहीं की है। मैं जब पता करती हूँ कि BPL को क्या मिल रहा है तो BPL को 55,000 रुपए मिल रहे हैं कमरा बनाने के लिए। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि BPL परिवार के यहाँ लोग बैठे होंगे, किसी को 55,000 रुपया अपना कमरा बनाने के लिए मिला है बिना रिश्वत के? भीलवाड़ा की बीकानेर की कहानी है, 100 लोगों को पहली किस्त मिली, बड़े खुशी होके खुश होके उन्होंने अपना पहला किस्त लिया। बरसात का पहले का टाइम था, उन्होंने जाके अपना कमरा तोड़ दिया और दूसरे कमरे को बनाने का सोचने लगे जब तक बरसात आ गई। भागे भागे कलेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने बोला मैंने तोड़ दिया है मकान, मेरे दूसरा किस्त दे दो। उन्होंने बोला अभी आएगा सरकार से तो हम आपको नोटिफाई करेंगे। तो सेकंड किस्त भी नहीं मिली, अपना मकान मैंने कमरा भी टूट गया, बरसात भी आ गई और जाके किराया भी देना पड़ा। तो आज इन्हें घाटे में पड़ गए बेचारे BPL वाले। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि वो देख रही हूँ मैं कि जिनको BPL का पैसा नहीं मिलना चाहिए उनको तो BPL का पैसा मिल रहा है, और जिन बेचारे गरीबों को BPL का पैसा मिलना चाहिए वो बेचारे उस BPL पैसे से वंचित हैं। कैसी सरकार है? मैं समझती हूँ कि उन लोगों को कहीं ना कहीं तो आप लोग मदद करोगे, परंतु मदद नाम की चीज नहीं। अभी एक कर्मचारियों का आप लोग सब जान रहे हो कि वो आंदोलन कर रहे हैं, 11 जुलाई से आंदोलनरत है, वो भी समाज और सरकार के एक बहुत प्रतिष्ठित अंग है और मुख्यमंत्री को कम से कम उनकी बात सुननी तो चाहिए। और मेरा इसलिए कहना है कि रास्ता कर्मचारियों को प्रताड़ित करने से नहीं मिलेगा, उनको विश्वास में लेकर ही निकलेगा, और इसीलिए उनके साथ बैठ के बात करके रास्ता निकालने का काम सरकार को करना चाहिए। बात करने में मुश्किल क्या है मुझे समझ में नहीं आया, परंतु सरकार हमेशा जहां टांग नहीं अड़ानी चाहिए वहां अड़ाती है और जहां टांग अड़ाना चाहिए वहां नहीं अड़ाती है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, अड़ाना चाहिए भूमाफिया के साथ कि नहीं? अड़ाना चाहिए ना। आप देख रहे हो कैसे भूमाफिया का एक बिल्कुल नगरा नाच चल रहा है आपके बाड़मेर के अंदर। यहाँ जमीन खरीद ली, फिर यहाँ से उठ के वहां जमीन खरीद ली, जहां सड़क आती है रॉबर्ट वाड्रा आया उसने खरीद ली, उसने बेच दी, मौज मस्ती हो रही है भूमाफिया की। भूमाफिया कहीं रुक नहीं रही है और मैं तो कहती हूँ कि पूरे राजस्थान को बेच खाएगी अगर ये सरकार है रुकी। इसी मेरा सब लोगों से कहना है कि ऐसी सरकार जो पूरी तरह से भ्रष्ट है उसको एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने का हम लोगों को मौका देना चाहिए क्या भैया? मैं नहीं समझती हूँ देना चाहिए, और अब मौका आ गया है आपके हाथ में। एक नया राजस्थान बनाने का काम हम लोगों को मिलकर करना है। हमने सोचा है कि ऐसा नया राजस्थान बनेगा जिसके अंदर हमारे किसान मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे। आज हम लोगों को किसानों का के लिए डर है क्योंकि पहली बार राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है। आज दिन तक राजस्थान के किसान ने कभी नहीं आत्महत्या की, ये महाराष्ट्र की बात थी, ये आपके आंध्र प्रदेश की बात थी, पर राजस्थान में नहीं होता। अब राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए, ना बिजली है ना पानी, ना उसको खाद मिलता है टाइम पे, ना उसको मिलता है बीज, और जब उसको फसल हो जाती है तो फसल लेके आ जाता है तो मैं देखती हूँ कि वो बेचारा फसल के भी उसको सही समय पे आपके पैसे नहीं मिलते। ये भी किसानों की बहुत ही मुसीबत है। अब मैं किसानों को सबको पूछना चाहती हूँ कि अभी पाला पड़ा था, ओलावृष्टि हुई थी और आप लोगों को मुआवजा देने की मैंने सुनी थी, जयपुर के अंदर किसी को मुआवजा मिला? बोला मेरे को ये बताया कि बिजली के भाव कम कर दिए थे और उसके साथ साथ आपको पैसे का एक पैकेज अलग से दिया था, मिला किसी को? ये बताओ मेरे को, आपके लिए अलग से 1,00,000
50,000 बिना ब्याज के पैसे ऋण के हिसाब से आपको मिलने वाले थे, किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। अरे ऐसी तो घोषणाएं होती हैं और कहते हैं कि हमने बढ़िया विकास किया है। अरे विकास उन्होंने आपका नहीं किया भाइयों, आपने किया है विकास इस सरकार का। ऐसा विकास किया है कि इनको आप किसी चीज की चिंता नहीं है। इनके जेब भर गए, इनके बैंक अकाउंट भर गए, इनका सब काम हो गया और ये विकसित होके इस प्रदेश से आराम से रिटायर होंगे। परंतु आप नहीं हो विकसित। और आखिरी में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने देखा है यहाँ कि बहुत लंबे चौड़े उससे गुर्जर समाज के लोग, राय का समाज के लोग, ये सब लोग आए, तो थोड़ा सा आरक्षण के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। यहाँ जो भी है गुर्जर समाज को मैं कहना चाहूंगी और सुन लो आप अच्छी तरह से। हमने अपने समय के अंदर आप लोगों से बातचीत करने के बाद यह तय किया था, आप और आपके साथी, इन लोगों को आरक्षण देने का ये काम है क्या? तो हमने चोपड़ा कमेटी बनाई और चोपड़ा कमेटी को भेज के हमने चोपड़ा कमेटी को कहा कि रिपोर्ट बनाइए और हमें बताइए कि इनको देना चाहिए कि नहीं। चोपड़ा कमेटी की ठीक ठाक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को हम विधानसभा के अंदर ले गए, इसके ऊपर हम लोगों ने बड़े डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद सर्वसम्मति से इसको पास किया और इसको पास करने के बाद हम लोगों ने भेजा अपने गवर्नर साहब के पास और गवर्नर साहब ने एक साल के लिए उसको लेके बैठ गए। परंतु आखिर में, क्योंकि वो सही था, अच्छा काम था, इसलिए आखिर में उनको दिल्ली भेजना पड़ा। अब वहां दिल्ली जाके क्यों अटका? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ दो दो मंत्री थे, एक तो मेरे नंबो नारायण जी मिनिस्टर थे, एक दूसरे थे आपके राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, ये दोनों ऐसे मंत्री थे जिनके हाथ में आपने सब सौंप दिया था। उनको सिर्फ वहां जाके नौवीं सूची के अंदर इसको डालने का काम अगर वो कर दिया होता तो आज आप लोगों को कोई मुसीबत ही नहीं होती। परंतु नौवीं सूची का डालने का काम नहीं हुआ, ये कड़ी से कड़ी जो हम लोगों को जोड़ने को कहा था ये पूरी तरह से फेल हुई। और मैं सब भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को इसलिए, मैं आदत नहीं है झूठ बोलने की, और मैंने ये भी कह दिया कि चुनाव हो कुछ भी हो मैं झूठ बोलने के आदि नहीं। लोगों ने मेरे को कई बार कहा अरे थोड़ा सा बोल दो क्या मुसीबत होगी। मैंने कहा थोड़ा सा भी नहीं बोलने को तैयार हूं, क्योंकि लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेना ये मैं नहीं कर सकती हूँ। आज भी आप लोगों को कहा कि ये काम हो सकता है, ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम ये सरकार कर सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? जबकि ये विधान परिषद, ये विधान परिषद जिसमें आप एक्स्ट्रा लोगों को विधानसभा के अंदर ला सकते हो, ये काम राजनीतिक काम है। इस राजनीतिक काम को कार्य सूची पार्लियामेंट में माने संसद के अंदर डालने का काम तो इनने किया, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि उसको डालने का काम अभी नहीं, बैठ जाओ चुपचाप से, इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं और आप लेके खड़े हो जाओ, आओ बाद में बताओ मेरे को, परंतु इनकी बात तो सुन लो। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके काम को अगर वो करना चाहते थे तो जिस तरीके से विधान परिषद का नाम लेके कार्य सूची में दिल्ली के अंदर डाल के आए, अगर उन्होंने आपका नाम उस कार्य सूची में डाल दिया होता तो कितना काम आप लोगों का हो जाता। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं आज भी अडिग हूं और मेरे हिसाब से जितना मैं कर सकती थी वो मैंने उसको करने की कोशिश की और मैं आगे भी करूंगी। उसके साथ मैंने 14% भी जोड़ा था, इसलिए कि सब लोग मिलके एक साथ एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर हमारी मुसीबत ही है कि हमने देखा कि कांग्रेस वालों ने 60-65 में से 53 साल राज किया, हम लोग सबको भिड़ा भिड़ा के आपको उससे लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया, मजहब को लड़ा दिया, सब कुछ कर दिया और आज जो स्थिति आप लोगों के सामने है वो लड़ाई के ऊपर 53 साल राज करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया, आपने बहुत मौका दे दिया। उधर देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार 15 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गई। बड़े प्यार से ताली बजा रहे हो तो यहां क्यों नहीं कर सकते थे? मैं वही कह रही हूं कि ये ऐसा नहीं है, अब की बात नहीं, 15 लगातार 15 साल और लगातार मैं वो भी नहीं मांग रही, मैं तो ये कह रही हूं कि लगातार 15 साल उनको दिए तो उन्होंने काया पलट करके छोड़ दिया गुजरात का। उधर 10 साल दिए उन्होंने काया पलट करके छोड़ दिया मध्य प्रदेश का। वो छोटा सा छत्तीसगढ़,
उस छत्तीसगढ़ के अंदर जब आपके पूरे देश के अंदर बिजली पूरी कलाप्स हो गई, ग्रिड कलाप्स हो गया पूरे भारत देश में, तो उस छोटे से छत्तीसगढ़ की बिजली ने पूरे देश को उठाया। ये था छत्तीसगढ़। और यहाँ राजस्थान के अंदर हमने 53 साल इन कांग्रेसियों को दे दिया, और क्या किया इनने, हमको सबको गर्त में पहुंचाने का काम किया, राजस्थान को गड्ढे में पहुंचाने का काम किया। राजस्थान 55 साल में कहां से कहां पहुंच जाता, किसी ने कभी सोचा? किसी के सामने हमको गिड़गिड़ाने की जरूरत होती? हमारे स्वाभिमान को हम ऊपर रखते, इज्जत को बनाए रखते, रोज लोग आते, जिस तरीके गुजरात जाते, मध्य प्रदेश जाते, वैसे यहाँ राजस्थान आते, यहाँ फैक्ट्रियां लगती, यहाँ हमारे बच्चों को काम मिलता, और राजस्थान 10-15 साल के अंदर एक ऐसा प्रदेश बन जाता जहां उसको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं होती। ये हमने आज दिन तक नहीं किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग एक दूसरे से रोज रोज लड़ते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले इतने समझदार हैं, वो जानते हैं कि हम इनको लड़ाए रखे हमारा काम हो जाएगा। उनको खुशी नहीं है आपकी संपन्नता में, ये चाहते हैं कि आप गरीब रहें। इसलिए आज आपने देख लिया दिल्ली की सरकार ने कह दिया कि बीपीएल पर 70% देश के लोग बीपीएल है। इतनी शर्म की बात है, दुनिया बदल गई, लोग आगे निकल गए, और हमारा देश कम होने की बजाय ज्यादा हो रहा है। गरीबी ज्यादा हो रही है, इसलिए हो रही है कि हम राज को आपकी तब कर सकते हैं जब आप गरीब हो और आप दुखी हो और आपको मौका नहीं मिलेगा ये हमसे पूछने के लिए कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये है कांग्रेस का राज। और मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हमारा राजस्थान, नया राजस्थान तो तभी बन सकता है जब सब जातियां 36 के 36 कौम एक साथ और सब मजहब एक साथ मिलके एक परिवार के रूप में आगे बढ़ेंगे। तब गुजरात जैसे, मध्य प्रदेश जैसे और दूसरे प्रदेशों जैसे हम भी ऊपर उठेंगे, तब हमारा सब कुछ होगा, हम एक दूसरे के अपने चक्कर में नहीं फंसे रहेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आग लगाती है, मेरा एक भी भाषण आपने सुना है जिसमें मैंने आप लोगों को कहा कि मारो काटो कुछ करो? मैंने हमेशा आप लोगों को कहा एक परिवार है, इस परिवार को प्यार से सींचो, इस परिवार को एक डोर में बांधो, और जो भी है चाहे वो हमारी तरह सोचते हैं कि तुम्हारी तरह सोचते हैं किसी और की तरह सोचते हैं, सबको बांधो तभी हम लोग आगे चल सकेंगे। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आग लगाती है और फिर बुझाती है, ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है, ये वो करते हैं। मुख्यमंत्री भूल गए कि इस कार्यकाल में करीबन 2400 सांप्रदायिक दंगे और 80 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई है। आप लोग गिनती हो, गिनते हो और अखबार में पढ़ते हो, रोज रोज का काम है ये। मुख्यमंत्री राज्य के गृह मंत्री भी हैं, इस चीज को कोई ना भूले, जिनका कार्यकाल इतिहास में सांप्रदायिक दंगे के लिए सबसे ज्यादा दागदार रहा है। शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस सरकार को, और इसको सदियों में लोग भूल नहीं पाएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है। क्या गोपालगढ़, सूरवाल, इनके हाल ही में हुआ टोंक की घटना जो हुई है कोई भूल सकता है? कैसे, किसने, किसमें इतने करवाया ये सब जानते हैं लोग। जहां उनकी सरकार ने मुस्लिम भाइयों के साथ खून का खेल खेला, और आज वे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इनकी हिम्मत है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने सबको एक साथ ले जाने का काम किया है। हमारी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल के अंदर अगर कहीं भी आपने देखा होगा हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा हुआ हो तो मेरे को बता दो। राजस्थान में जब अपनी सरकार थी तो कभी नहीं हुआ था ये। और सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के 65 साल से हिंदू मुसलमान को लड़ा के ही सत्ता हासिल किया है, और आज भी वही कर रही है। भारतीय मुसलमान भाई भी इस चीज को समझ गए हैं, कांग्रेस इनसे डर गई है। और मैंने अपने फेसबुक में भी कहा था कई महीने पहले कि चेत जाओ भाइयों, ये चुनाव के पहले ये भी बांटेंगे सब कुछ जिस तरीके से अभी बांट रहे सामग्री, और उसके साथ साथ लड़ाइयां भी करवाएंगे। इसलिए देखते रहना, सतर्क रहना, इनकी बातों में मत आना, क्योंकि अगर हमको सत्ता हासिल करनी है तो इनकी जैसे नहीं, हम तो अपन इकट्ठा होके एक आवाज करके तब सत्ता हासिल करेंगे और राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे। किसी के लड़ाई झगड़े के ऊपर हम सत्ता नहीं हासिल करेंगे, क्योंकि वो सत्ता विकास हमको दिलवा ही नहीं सकती है। ये 55 साल देख के हमने देखा, आप सबने देख लिया है। इसलिए आओ, मैं तो आप लोगों के सामने बस इतना ही कहने आई हूँ कि अब वो समय अपना आ गया है। हमारे राजस्थान में 5 महीनों की घोषणा की सरकार नहीं है, हम 5 वर्ष की कार्य योजना की सरकार है। आगे चलेंगे, 5 वर्ष की योजना 5 महीने की नहीं, 5 वर्ष की योजना आपको देंगे, उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे।
वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बुजुर्गों के सम्मान की बात है, उनका सम्मान जो है वो बेईमान और स्वार्थी है। और नहीं तो ये सम्मान 4.5 साल पहले इनको याद आ जाती और ये कर देते। आज बात कर रहे सम्मान की, पहले 4.5 साल में क्यों नहीं सम्मानित किया उनको, ये सब काम क्यों नहीं सोचा पहले। उन्हें नौजवानों का बेरोजगारी भत्ता चुनावी वर्ष में ध्यान आया, महिलाओं का सम्मान भी आज ही ध्यान आया, जबकि हमारी भामाशाह की योजना और बेरोजगार भत्ते की उन्होंने बंद कर दिया। अगर नहीं कर दिया होता तो ये सब काम आपको आज चलते हुए मिलते। तो हमारे नए राजस्थान के नौजवान को तो हम देना चाहते हैं रोजगार, महिलाओं को देना चाहते हैं सम्मान, और बुजुर्गों का हम देखना चाहते हैं सुरक्षा, किसानों को हम अपने मजबूत करके अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, और एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे व्यवसायी आके अपनी फैक्ट्रियां लगाएं और इस जमीन से वो सोना उगल के हमारे प्रदेश को बहुत ऊंचे पहुंचाने का काम करें। 5 महीने नहीं, पूरे 5 साल मिलेंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं तो आपको 5 साल देने को तैयार हूँ, काम करने को तैयार हूँ, आप लेने को तैयार हो? 5 साल और नया राजस्थान, इसको लेने को तैयार हो? इसके लिए काम करने को तैयार हो? क्या ये डराएंगे धमकाएंगे? आएंगे आपको पैसे बांटेंगे, ये पैसे आप ही के हैं, आपके टैक्स के पैसे हैं, मेहरबानी करके ले लो। आप नहीं लोगे तो ये जाएंगे उनके काले धन में, अकाउंट में चलेंगे। इसे आप लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये पैसा आपका है, इस पैसे को ले लो। परंतु जब समय आएगा उस समय भूलना मत इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। न पानी, न बिजली, न सड़क, न रोजगार, न डॉक्टर, न टीचर, विकास दर बिहार से नीचे, बिहार 16%, हम खाली 5%। क्या हो रहा है? महंगाई, पेट्रोल रोज रोज बढ़ता जा रहा है, डीजल बढ़ता जा रहा है, किसानों का क्या होगा, हम लोग सबका क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा? हम तो राजस्थान का भविष्य चाहते हैं, नया राजस्थान बना के छोड़ेंगे, और इस नए राजस्थान के अंदर इन लोगों के लिए जगह नहीं है। जो लोग हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाना नहीं, उनके पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हम मौका नहीं देंगे। आप तैयार हो मेरे साथ? बताओ मुझे, आपको चाहिए 5 महीने की सरकार या 5 साल की सरकार? बोलो जी, क्या चाहिए? 5 साल की सरकार चाहिए ना? तो 5 साल दिया तो फिर हमारे साथ चलो, और हम लोग मिलकर एक ऐसा जोरदार राजस्थान बनाने का काम करेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत ही जल्दी अगर वो लोग आगे गए हैं तो हम भी पीछे नहीं। अगर गुजरात आगे है, मध्य प्रदेश आगे है, तो राजस्थान भी बहुत जल्दी पीछे नहीं रहेगा। इसलिए जोरदार तरीके से हमारे साथ नारा जो, एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय राजस्थान, 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 जय जय राजस्थान। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी, आओ हम लोग सब साथ चल के एक नया राजस्थान बनाने का काम करें। आओ मेरे लिए हाथ, दूर के साथ, आओ मेरे लिए हाथ, दूर के साथ।